हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आज आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ लेटेस्ट जॉब अपडेट जो कि आ रही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है दोस्तों। भर्ती आ रही है जो FCAT 02 2020 के लिए भर्ती आई हुई है। इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि 14 जुलाई 2020 है। इसमें BE BTEC और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बोथ वैकेंसी आई हुई है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट पाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट जॉब अपडेट। आ रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से। हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है जो कि FCAT की थ्रू रिक्वायरमेंट होती है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए पोस्ट है, और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए निकाली गई है वैकेंसी। इसको आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2020 है। 15 जून 2020 को फॉर्म ओपन हुए हैं, 14 जुलाई 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया के सिटीजन मेन और वीमेन दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट आई हुई है। FCAT का एग्ज़ाम जो होगा यह भी कंटेक्टेड डेट दी गई है, जिसके 19 सितंबर 2020 से लेकर 20 सितंबर 2020 तक हो सकता है, इसका एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें FCAT एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए SSC फॉर मेन एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए है। टोटल नंबर वैकेंसी की संख्या 74 है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एयरनोटिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में आपके नॉन टेक्निकल वाले आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए और एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। NCC स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग वाले ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए ग्राउंड ड्यूटी वाले कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दो टाइप से कमीशन आई हुई है, एक परमानेंट कमीशन बेस पे आई हुई है और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके फ्लाइंग ब्रांच के लिए वुमेन और मैन दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सर्विस होगा आपका 14 ईयर्स का रहेगा, जो कि आपका बाद में एक्सटेंड नहीं हो सकता। ग्राउंड ड्यूटी में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 10 साल का आपका सर्विस होगा, जो कि बाद में 4 साल का एक्सटेंड हो सकता है विद रीजन। मैंने आपको बताया था इंडियन सिटीजनशिप ओनली आपको चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको 20 से 24 साल के कैंडिडेट्स का आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल के लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आप अनमेरिड होने चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम आपकी 50% इन मैथ फिजिक्स एट 12th लेवल मांगा गया है। ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। BE BTEC मांगा गया है आपके लिए, कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो बच्चे AMIS के थ्रू BE BTEC कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग से BE BTEC कर रहे हैं, उनमें भी सेम 60% मार्क्स मांगा गया है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए पोस्ट आई हुई है। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के लिए आई हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कि है 12th आपका कम से कम 50% आपने पास आउट होना चाहिए, और BE BTEC आप कर चुके हैं तो इसका आवेदन कर सकते हैं। BE BTEC में आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल वाले जो कैंडिडेट हैं, उसमें 12th आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और BE BTEC में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से के लिए 10+2 मांगा गया है, उसमें कम से कम मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और AMI के थ्रू आपने कर रखा है कोर्स तो आपको 60% कम से कम मिनिमम होना चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी में भी सेम है आपका, इसमें स्टेटिस्टिक्स ज्योग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन एनवायरमेंट साइंस अप्लाइड फिजिक्स मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से आपने कर रखा है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, अब इसका ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसे क्लिक करके आप उसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और जल्द से जल्दी आवेदन करें। इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है आपको। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपको आधार कार्ड चाहिए जो आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी फॉर FCAT एंट्री के लिए एग्जामिनेशन फी आपका 250 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये आवेदन शुल्क है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा 19 सितंबर 2020 को और 20 सितंबर 2020 को, आपका 4 शिफ्ट में होगा। 19 सितंबर को 2 एग्जाम होंगे और 20 सितंबर को 2 एग्जाम होंगे। 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एज शेड्यूल दिया गया है, सेकंड शिफ्ट में ये है, और 20 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो कभी आपका पढ़ सकता है एग्जाम। सिलेबस आपका रहने वाला है FCAT के लिए जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 घंटे का जो पेपर रहेगा उसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, उसके 1 क्वेश्चन का 3 मार्क्स होते हैं।
ये रहेगा। उसके बाद आपका टेक्निकल ब्रांच में आते हैं तो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट हैं, उनको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आप टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150। इसमें एवरी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं। आपका सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश के लिए दिया गया है, जनरल अवेयरनेस के लिए दिया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए इसके साइट पे आपके प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए कहाँ का लोकेशन रहने वाली है, अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, ये सब उड़ीसा वगैरह सब में आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका लोकेशन रहने वाला है, जहाँ पे इसको आवेदन कर सक, जहाँ पे आप इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। और आप इसको एफकेट का जरूर आवेदन करें, और आपकी एज लिमिट इसके अंदर आती है तो जल्दी से जल्दी आवेदन करें। ये काफ़ी अच्छी जॉब आई हुई है भारत सरकार की तरफ से। ओके, धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।